Hey friends, Assalamualaikum. Welcome back once again to Rabia's Kitchen. Friends, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मजेदार और क्विक बनने वाली रेसिपी, दैट इज क्रिस्पी चिकन फ्राइड. बहुत ही मजेदार लगेगी, आप ये प्लीज रमजान में जरूर ट्राई कीजिएगा. तो चलिए अपने किचन में ये पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ. सो लेट्स गो. क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बोल ले लिया है. उसके अंदर अभी हम डालेंगे दो अंडे, दीज आर टू एग्स. ये डालना है पहले. एक बहुत ही बेहतरीन मल्टीपर्पज फ्लावर हम बना रहे हैं, इट्स अ बैटर. बहुत अच्छा लगता है ये, इसमें आप चिकन फ्राई बोल दो या पनीर है, आलू है, कुछ भी डाल सकते हैं. ये है यहाँ पर कॉर्नफ्लावर, दैट इज कॉर्न स्टार्च. मैंने यहाँ पर दो चम्मच लिए हैं, टू टीस्पून, और मैदा जो है वो अराउंड थ्री टीस्पून है. ये इसमें डाल देंगे. अब हमें इसमें डालना है दही, दैट इज कर्ड. तो मैंने यहाँ पर से अराउंड फोर टीस्पून लिया है दही. अब इस बैटर को हमें अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से इसे मिक्स करते हुए हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, क्योंकि इसमें हम चाट मसाला भी ऐड करेंगे. ये मिक्सचर अच्छे से अभी हमें बस मिक्स करना है ये बैटर को. अब इसमें हम डालते जाएंगे बाकी के हमारे घर के सूखे मसाले. तो ये जा रहा है इसमें रेड चिली पाउडर. रेड चिली पाउडर इज अराउंड से 1.5 टीस्पून हम डालेंगे. अगेन दैट इज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. धनिया जीरा पाउडर है ये, दिस इज ऑल्सो अराउंड 1.5 टीस्पून. इसमें डालेंगे हम अब चाट मसाला चटपटा टेस्ट लाने के लिए. सो ये है अराउंड हाफ टी स्पून. गरम मसाला पाउडर, दिस इज ऑल्सो अराउंड हाफ टी स्पून. इसमें मैंने डाला है यहाँ पर है ग्रीन चिलीज जो मैंने बारीक काट के रखी है, दो से तीन आप डाल सकते हैं. एंड इसे और जबरदस्त टेस्ट देने के लिए हम डालेंगे इसमें करी पत्ते के लीव्स. ओके, सो ये इसमें चला गया. अब ये सारा मसाला अच्छे से हमें मिक्स करना है. इस तरह से चिकन फ्राई बहुत जबरदस्त बनता है फ्रेंड्स. होममेड मसाला है, बहुत ही झटपट बनता है. अब इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो अराउंड 1.5 टीस्पून, तो अराउंड 2 टीस्पून जाएगा. सो इसमें चला गया अदरक लहसुन का पेस्ट. अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे. अब इसमें हम डाल देंगे चिकन के पीसेस. मैंने चिकन के पीसेस हाफ के जी लिए हैं. मैंने बोन्स के साथ यूज किया है, आप विदाउट बोन बोनलेस भी यूज कर सकते हैं. अब इस मैरिनेशन को हमें अराउंड 1 to 2 आवर्स रखना है ताकि ये सारे मसाले इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए. दैट्स इट. इसे कवर करके हम रख देंगे और बस इसे अभी हमें डीप फ्राई करना है. सो फ्रेंड्स, एक घंटे के मैरिनेशन के बाद हमें इसे अच्छे से डीप फ्राई करके अच्छा क्रिस्पी गोल्डन कलर देना है. और ये बहुत मजे का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, अच्छा गोल्डन कलर आएगा और बहुत ही क्रिस्पी चिकन बनेगा. ये हमारी बहुत ही बेहतरीन इजी रेसिपी है, इसे आप रमजान में एज अ स्टार्टर जरूर ट्राई करना. बस अभी इसे अच्छे से फ्राई करना है और एक अच्छा कलर देके क्रिस्पी करना है. सो फ्रेंड्स, ये है हमारी क्रिस्पी चिकन फ्राई जो कम्प्लीटली रेडी हो गई है. ये देखिए कितना जबरदस्त गोल्डन कलर आया है, बहुत ही मजे का लग रहा है. बस अभी हमें इसे निकाल देना है और मैं थोड़ा सा इस पे चाट मसाला स्प्रिंकल करूंगी ताकि ये और टेस्टी लगे. बस तो ये थी हमारी आज की रेसिपी फ्रेंड्स. आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा. एंड यू नो यू नीड टू हिट द लाइक बटन वेरी हार्ड, शेयर माई चैनल एज मच एज पॉसिबल एंड सब्सक्राइब करने प्लीज मत भूलिएगा. सो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.